दोस्तों तो अभी 6 बज गया है और मैं जाग गया हूँ और पॉल रेडी हो रहा है। रेखा ने पापा के लिए रोटी चाय बना लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ। आज वेदर कैसा है, क्लाउडी है, कैसा है, बारिश आएगी नहीं आएगी? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि आज बारिश आई। रात को बारिश आई थी शायद, तो अभी कुछ लगता नहीं है बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे वापस। तो अभी भाई बारिश आने की कोई संभावना है नहीं और 6:05 हो गए। तो अभी पल जा रहा है स्कूल पे। बाय। पापा आ गए हैं खाने के लिए, मॉर्निंग का नाश्ता करने के लिए। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। सिकुए कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉर्निंग में सभी को, मेरे सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सीताराम। तो अभी मैं ले चलता हूँ रोज की तरह श्री स्वामी नारायण भगवान का दर्शन कराने के लिए। तो अभी मॉर्निंग का बज गया है 7 और मैं ले चलता हूँ। जय श्री स्वामी नारायण, भगवान के चरणों में नतमस्तक वंदन करके मैं रोज की तरह ले चलता हूँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराने के लिए। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को नमस्कार करने के लिए। मम्मी को नमस्कार करते मैं मेरे दिन की रोज की तरह शुरुआत कर रहा हूँ। और रेखा आ गई है भगवान के पास, क्या कर रही हो? भगवान, वाओ, तेरे को तो ये कितने करोड़ का डायमंड दिया भगवान ने? 50 करोड़। भाई 50 करोड़ तो भाई कितने मिंडे पीछे आते हैं वो मालूम है? नहीं मालूम। तो भाई 50 करोड़ रुपया दिया है यार। मुरली तो यहाँ बजेगी। मस्त पग से भगवान। वाह, वेरी नाइस। तो अभी क्या है मॉर्निंग में नाश्ते में? रोटी छे। तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम बैठेंगे, रेखा ने कुछ बनाया है, देखते हैं। तो अभी मॉर्निंग में ओ बापलिया, तो इतना बड़ा तपेला भर के मक्खन है, देखो इतना बड़ा है खाली। और ये स्टोव चालू कर दिया है और यहाँ चाय उबल रही है। और ये तपेला इतना बड़ा तपेला है कि चूल्हे के ऊपर समाता भी नहीं है। और ये नमक है प्रकृति रॉक सॉल्ट। तुम्हारे वाटे तो मम्मी की। भाई हाइट वाला काम है ना, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। देख लीजिए ये 1, वाओ, ए टू दोनों में दोनों समा गया और ये क्लोज हो गया है। अभी मॉर्निंग में यहाँ मक्खन का घी बनने जा रहा है। और रेखा बताओ क्या चल रहा है? एकदम फाइन। यहाँ धीरे धीरे मक्खन गर्म होने जा रहा है। पर सोने की चिड़िया करती है बछेरा, ओ भारत देश मेरा। देशभक्ति सॉन्ग गाने का आज रेखा का मूड है। ये आज देशभक्ति गाना गा रही है। जुनो तो थयो रे देवाण, जुनो तो थयो मारो, उड़ी गयो बीजर पड़ू तो रो मारो हंस लो नानो ने देवर तो। वाह भाई वाह, सुबह सुबह मॉर्निंग में भाई मक्खन में से घी बनाते बनाते भजन का तो कार्यक्रम हमारा इधर ही पत गया। तो दोस्तों एक कमेंट ऐसी बढ़िया सी आई थी रेखा, तुमको मालूम है। तो कमेंट में ये लिखा था कि आपका फैमिली हमेशा खुश क्यों रहता है? वो तो मुझे भी ढूंढना है, हमारा फैमिली खुश क्यों रहता है, पर हम झगड़ते हैं वो तुमको थोड़ी बताना है।
हमारे में भी बहुत बहस हो जाती है, क्योंकि बात थोड़ी बता देता हूँ वरना हाई टेम्परेचर होगा तो वो लोग बंद करना पड़ेगा। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि हम दोनों में किसका स्ट्रॉन्ग मगज क्या है और किसका हाई लो है, ऐसा मगज है वो बता देता हूँ। तो रेखा का मगज है ऐसे हमेशा सब बेस्ट है उसको, एक स्वभाव भी, सब काम में भी कुछ, कभी मेरे को कुछ कहना नहीं पड़ता है, मेरी आनी काट लेती है कि ये तुम पीछे रह गए, काम में इतनी होशियार है, तकस वाली है। पर बात उसका खाली टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर जब छटक जाता है ना तो फिर उसके सामने से मुझे दूर हो जाना पड़ता है। तो फिर उसका मगज का टेम्परेचर जब पारा बढ़ जाता है ना तो मुझे फटाफट ठंडा कर देना पड़ता है। काफी वर्ष से बोला था कि आपका फैमिली, आपका घर है जो आपका हाउस है वो काफी क्लीन होता है, तो भाई क्लीन होने की वजह तुम तो मालूम हो गए ना कि नहीं क्लीन, शायद मैं और पॉल कभी भी कुछ भी कपड़े की कुछ भी कोई सामान इधर उधर हो गया ना तो टेम्परेचर तुरंत हाई, तो मुझे और पॉल को फटाफट है ना ऐसे ऐसे करके काम एक जगह रखी हुई हमें तो थी। हाँ। तो बहस वाली बात थी कि भाई जब हम मियां बीबी झगड़ते हैं तो रेखा का मगज जब हाई हो जाता है तो मुझे फटाफट ठंडा कर लेना पड़ता है। मुझे मालूम पड़ जाता है कि आज मैं कितना भी बोलूंगा ना तो खाली अच्छा है कि कुछ बोले तो कुछ फेंकती नहीं है वरना तोला फोड़ देती। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हर दुनिया का हर घर ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े होते ही है, पर नहीं होए ऐसा हमेशा दोनों में से किसी को ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादातर हम पुरुष होते हैं तो कभी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और बहस होती है पर उसको हमेशा लंबी जगह से, मतलब मैं बोले तो कहीं भी ऐसा छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़े बड़ा झगड़े का कारण हो जाता है, लड़ाई का कारण हो जाता है। तो लड़ाई हुई थोड़ी, तो लड़ाई हमेशा थोड़ी सी स्टार्ट होते ही उसको ठंडा पाड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भाई रुद्र स्वरूप हो जाता है तो वो कहाँ हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई वो तो मुझे ही मालूम है, सबको थोड़ी बताऊंगा। जिस मेरे व्यूअर्स ने ऐसी कमेंट किया है खूब धन्यवाद। और दोस्तों आज रेखा ने मक्खन, ये तपेला भर के मक्खन उबलना शुरू हो गया है और चाय बन गई है और मैं खाने के लिए बैठ रहा हूँ, फिर भी एडिटिंग करते करते मैं आ गया था और अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो अभी तेरी प्रोसेस कहाँ पहुँची है? प्रोसेस जहाँ तक पहुँची है। अभी देखो भाई ये मीठा मीठा घी हो गया है रेडी, अभी भी उबल रहा है, हमारा कैमरा जाखा पड़ जाएगा। घी की प्रोसेस कर रही है तो मैं जा रहा हूँ। Hours later. अभी रेन शुरू हो चुका है। एक बजने आया है और रेखा गाना गा रही है। तेरे मासूम सवालों से परेशान। तो अभी मैं खाने के लिए आ गया हूँ, रेखा हिंदी गाना गा रही थी। जिंदगी हैरान नहीं है, मैं तो हाथ धोने जा रहा हूँ। तो मैंने हाथ धो लिया है और रेखा पापड़ सेकने ली है और फटाफट खाना लग चुका है। पल वाव, पल को ये छाछ अच्छी लगती है। हाय पल, कैसा दिन रहा आज? बढ़िया बढ़िया। एक ही चीज है, पल को जितनी बार मिलते हैं बोलता है बढ़िया, आगे पीछे तो कब बोलेगा मालूम नहीं है। ब्लॉग का शौक रेखा को और पल को था और चढ़ा दिया मुझको। तो क्यों पल, अभी ये सौरव जोशी का फ्रेंड है, बहुत बड़ा फ्रेंड है, क्यों है पल फ्रेंड है ना? तो भाई अभी देखो मेरी चैनल के नीचे उसकी चैनल आई जाएगी, सौरव जोशी ब्लॉग। तो आप देख सकते हो ना कि भाई पल को सौरव जोशी हमारा ब्लॉग और दो तीन काफी गेम वाला है और वो एक्सीडेंट वाला भी है, जबरदस्त है स्टंट वाला,
तो अभी खाना लग चुका है, तो अभी खाने के लिए हम बैठ रहे हैं। तो भाई खाने में है भिंडी की सब्जी है, पापड़ है, रोटी है, केड़ा है, छाछ है और रेखा भी डिश रेडी है। बारिश काफी बढ़िया शुरू हो चुकी है, तो अभी खाना पीना खत्म करके अभी एक राउंड बताने वाला हूँ मैं। लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे। छह बज गया है और बारिश धीमी हो गई है और अभी बादल काले छाए हुए हैं और बारिश गिर नहीं रही है। तो अभी देखते हैं नाइट को बारिश आएगी कि क्या है। आठ बज गया है और मैं घर पे आ गया हूँ। पल देख रहा है हमारी मैरिज का वीडियोस और रेखा बैठ गई है खाना बना के मैरिज का कुछ शूटिंग देखने के लिए। तो भाई आज मॉनसून में तो भाई ये 5 दिन का हाई अलर्ट किया था गुजरात में और दक्षिण गुजरात में, सौराष्ट्र में। तो भाई आज तो दोपहर तक बूंदे बूंदे आई, इतना प्रेशर वाला बारिश नहीं आया था। आग लगी नहीं, धुआं निकलना शुरू ऐसा हो गया माहौल। जैसा अलर्ट किया वैसा कुछ आया नहीं। तो अभी हमारा व्लॉग चल रहा है और सब लोग बैठ गए, खाना रेडी हो गया। रेखा क्या बनाया है? भाई आलू की सब्जी और रोटला बनाया है और मैं फटाफट ना तो के रेडी हो जाता हूँ। तब तक आप लोग मेरा शादी का वीडियो देखो। अभी तो भाई नहा के आ गया हूँ गर्म गर्म पानी से, वातावरण ठंडा है तो भाई काफी मौज पड़ गई नहाने में। तो अभी रेखा ने बनाई है आलू की सब्जी। हेलो दोस्तों, तो ना तो के मैं रेडी हो गया हूँ। और कैसा लगा हमारा शादी वाला वीडियोस तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं रखता हूँ कि वो लिंक पे तुम जाओ और वो शादी वाला वीडियो तुमको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, रेखा ने आलू की सब्जी और बाजरे का बड्डा बनाया है तो खाएंगे कैसा है बड्डा। तो अभी सब लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, मेरी डिश रेडी हो चुकी है, बाजरे का बड्डा, आलू की सब्जी और दूध। और पल्लू भाई ने ये कदा किया, क्या किया कदा? पल्लू भाई तो हमेशा कदा करके ही खाता है, क्यों पल्लू भाई? देखो अमूल की छाछ की बात मैंने दोपहर को की थी ना, तो उसको यही पसंद है, इसीलिए तो वो ज्यादा छाछ पी रहा है, क्योंकि बाटली की छाछ उसको ज्यादा पसंद होती है। तो रेखा एंड पल दोनों छाछ पीते हैं। और देखो देखो पल की कॉमेडी देखो भाई क्या कर रहा है, देखो 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 वही तोबा तोबा है ये पल, आपके सामने दिखाई नहीं देता है, बाकी तो ये जबरदस्त गेमर है।
और अभी देखो, अभी दूसरा नाटक देखना 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 देखो 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 पल भाई क्या कर रहा है, देखो देखो भाई जल्दी पल की नौटंकी देखो भाई। तो अभी मैं बैठ गया हूँ खाने के लिए। हाय रेखा, रेखा ने तो खाना शुरू कर दिया है, उसको भूख ज्यादा लगी थी। और हम जब खेतीवाड़ी करती थी तो गांव कैसे खाना खाने के लिए बैठती थी। देखो भाई ये काठियावाड़ी स्टाइल हमारी है, देसी सुबह में जागा नहीं और हाथ में रोटला लेके सालिया पकड़ के एक हाथ से दोनों हाथ से। तो भाई रेखा की देसी स्टाइल तो आपको काफी बढ़िया पसंद आई होगी। तो अभी खाने पीने के बाद मेरा उखाड़ का जिस व्यूअर ने राइट आंसर दिया है सभी का नाम लूंगा। तो मिलते हैं खाने के बाद। तो दोस्तों खाना पीना खत्म हो गया है और उखाड़ा का राइट आंसर दिया है मेरे सभी व्यूअर्स का नाम ले रहा हूँ। तो हिरेन देवाणी, धर्मसिंह पटेल, राजू जावया, आरती मणियार, विके भाई, मिथाली इनामदार, रमेश दलवाड़ी, वीएम रावल, अर्चना पंचाल, प्रियंका सिंरोजा, टॉक्सिन गेमिंग और ज़्यादा काफ़ी लोग हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने सभी ने राइट आंसर दिया है तो सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और बेस्ट कमेंट लिखी है धर्मसिंह पटेल, दुनिया की कोई पण वस्तु गमे तेटली तमने कीमती लागे पण ईश्वरे आपेली शांति ऊंघ ने आनंद जेटली कोई कीमती नथी, वेरी नाइस। हवे पछी जे राहुल भाई छे तेवे पण खूब सरस लखेलू छे, जीभ एक एवी दुकान छे के बोले तो खबर पड़े के दुकान सोनानी छे के बंगारनी, एटले समझी विचारी સારું અને કોઈને ગમે એવું બોલવું શરીરના ઘા રૂંઝાઈ જાય છે પણ જીભના કહેલા શબ્દ ક્યારેય રૂંઝાતા નથી ભાઈ, સુપર, વેરી નાઇસ, જબરજસ્ત રાહુલભાઈ તમારો આજનો જે કોમેન્ટ માં શું વિચાર છે સૌથી બેસ્ટ છે। તો હવે પછી છે અર્ચના પંચાલ, જેઓએ લખેલું છે, સવાર પડે તો ધન્યવાદ માનજો અને રાત પડે તો આભાર, કારણ કે તમારા હાથમાં કંઈ નથી પણ એના હાથમાં બધું જ છે, कोनी सवार पाड़वी के कोनी नहीं, वेरी नाइस अर्चना पंचाल, काफी बढ़िया लिखा है तुमने और ऐसा ही अच्छा सो विचार लिखते रहो। हमें पछी छे राजू जावया, तेवे लखेलू छे, कोई पण विचार करवो ते मानवना हाथ में छे परंतु परमात्मा नी कृपा होय तो ते विचार सफल थाय, वेरी नाइस, धनी चावी भगवान पासे छे, के तमे गमे एटलू आवडत होय के गमे एटली मेहनत करता हो पण तेमनो आशीर्वाद होय तो ज बधुं शक्य छे, बाकी तो बधाय माणसो घणा बधा माणसो होय छे કે જે ખૂબ મહેનત કરતા હોય છે છતાં પણ આગળ નથી જઈ શકતા, અને ઘણા બધાને ભગવાનની કૃપા એવી હોય છે કે ભાઈ થોડું કામ કરે અને થોડું પણ વિચારીને પોતે આગળ જતા રહેતા હોય છે। તો ખૂબ જ સરસ રાજુભાઈ જાવ્યા, તમે ખૂબ જ સરસ કોમેન્ટ આપેલી છે। તો છોટી બડી કોમેન્ટ તો જ્યાદા આવી હૈ પર મેં સભી કોમેન્ટ લુંગા તો મેરા વ્લોગ આપ લોગો કો અચ્છા નહીં લગેગા। પસંદ તો કોઈ ભી કિસી કો ભી કર સકતા હૈ લેકિન બહુત મુશ્કિલ હોતા હૈ કિસી કી પસંદ બન જાના, वेरी वेरी गुड नाइट। दोस्तों मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण सीताराम। तो दोस्तों मेरे चैनल में अच्छा लगता रहे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर देके मेरे चैनल को आगे ले जाइए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ।